सत श्रीकाल जी सागर, सब तो पहला सारी मीडिया का मैं धन्यवाद करता इतने आने साढ़े लिए समा कट के एडी गर्मी च। नवकीत भाजी ने बहुत ही सोहने तरीके फिल्म कमले की समीक्षा की है कि पंजाबी सिनेमे की जी तस्वीर थोड़े सामने रखी है जो इस वेले हालात ने पंजाबी सिनेमे के बहुत सोहने तरीके बहुत सोहने शब्दों की वरतों करके भाजी ने इन्ना सोहना बोलिया। सारे ने बहुत वधिया तरीके ने इंट्रोडक्शन कराई है मेरे बारे इन्ना वधिया बोलने लई भाजी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा नवकीत भाजी। तो अज साडी फिल्म का इत्थे पोस्टर लॉन्च लई असीं इत्थे इकट्ठे होए हां ते अज ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अज तो साडी फिल्म का शूट स्टार्ट है। फिल्म का नाम है कमले। साडे डायरैक्टर साहब शिवम शर्मा जी, साडे डीओपी साहब, साडे प्रोड्यूसर साहब सारे इत्थे पहुंचे ने। मेरे लिए बहुत ही माण वाली गल है कि इन्नी दिग्गज इन्नी सीनियर कास्ट के नाल मैं काम करने का मौका मिल रहा है। सुरिंदर मान साहब साढ़े बैठे ने, प्रदीप भाजी, निर्मल ऋषि मैडम पहुँच नहीं पाए सच तो पहुँच दी, तस्वीर पाल भाजी। तो बहुत ही सोहनी कहानी है। तो मैं तो इन्ना जानता कि सिनेमा इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सब तो पहला सिनेमा एंटरटेनमेंट वास्ते होंगे। तो साड़ी इस फिल्म की कहानी के डायरैक्टर साहब ने इस गल का पूरा ध्यान रखा, एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा। तो एंटरटेनमेंट के नाल नाल एक सोशल बहुत सोहना जहा मैसेज भी दिता गया कहानी के विच कि अजकल आप देख रहे हैं कि रिश्ते है ना, रिश्ते खोखले होंगे जा रहे हैं। मतलब पैसे की दौड़ के विच आप रिश्ते नात्या भुली जा रहे हैं, पैसे को मुख रख के रिश्ते थले करते जा रहे हैं। तो अपने वड्डियां भी कई बार इदा होंगे कि वड्डियां की इज्जत भी नहीं करते पैसे को मुख रख के। तो इस फिल्म के बड़े सोहने तरीके साडे डायरैक्टर साहब ने, जिहड़े साडे राइटर ने वीवी शर्मा जी, उन्होंने बहुत सोहनी कहानी लिखी है। तो असीं पूरी कोशिश करांगे इहदे ते खरे उतरांगे, वधिया तरीके नाल फिल्म बना के सारी ऑडियंस दे सामने पेश करांगे। तो आने वाले समय च फिल्म वधिया तरक्की करे, साडे प्रोड्यूसर साहब होर सारियां फिल्मां बनाउण। तो मेरे नाल बैठे ने जानवीर जी, तो जानवीर जी नाल मेरी एक दूसरी फिल्म है। तो डायरैक्टर साहब ने हुणे असीं कट्ठे फिल्म का शूट खत्म करिया अलग बरे, रीसेंटली खत्म कर रहे। मेरी भाजी का दूजे फिल्म है, बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा मेरा इन्हों, बहुत ही विजनरी डायरैक्टर ने। तो इन्हों पता है कि इन्होंने की करना है, की विखाना सिनेमे दे विच, इन्हों अपनी फिल्म का सब कुछ पता होंगे ऑन सैट के उत्ते कि आ मैं सीन शूट कर रहा तो ये कितना निकल के आऊगा। कि एक एक्टर वास्ते भी बहुत वधिया गल होंगी, बहुत आसान हो जाता है जब एक विजनरी एक सियाने डायरैक्टर के नाल काम करता है। तो मेरी मैं बहुत खुशी है कि मैं भाजी नाल दूजी फिल्म भी मौका मिलता है। माहौल चल रहा और कुछ दिन पहला जो घटना वापरी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहला होनी सी लेकिन असीं डिले कर दित्ती क्योंकि सारे लोग बहुत अपसेट हो गए। जे असीं गल करिए अपनी फिल्म की कमले, बहुत ही सोहना प्रोजेक्ट लैके आए हैं तो थोड़ा सारा लोग बहुत ही पसंद आएगा। फुल कॉमेडी है विद गुड मैसेज एज वेल। तो स्टारकास्ट भी बहुत वधिया है, जिमें कि जिन्हें जी ने दसिया साड़ी दूसरी फिल्म है, इन्होंने हालांकि एक फिल्म कंप्लीट की है अलड़ परेस, बाकमाल एक्टर ने, बहुत ही उमदा एक्टर ने और मैं खुद एक्साइटेड हाँ इन्होंने कमले मूवी काम करने की। और सारी टीम ने मेरे को गुड विशेस, थैंक यू। सुरिंदर महाल जी एक बड़ा लंबा अरसा इन्होंने इंडस्ट्री के साढ़े को सब तो पुराने अदाकार ने, पुराने तो मतलब नौजवान, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ कि हजे भी असं इंप्रेस होने कि किमें नट भज के साथ वह काम करते हैं, साढ़े छोटे वह काम करते हैं क्योंकि महाल साहब को काफ़ी तजर्बे ने। बेशक असं राजवीर गिल साहब तो भी उन्होंने गल सुनी है पर माल साहब ने क्योंकि एज ए डायरैक्टर भी इंडस्ट्री काम किया है, एज ए हीरो भी काम किया है, करैक्टर आर्टिस्ट बहुत सारी फिल्म कीतियाँ, बहुत सारा काम किया है। सो डेफिनेटली अच्छा जी बैठ रहा है मुद्दा होंगे कि जब किसी को बोलने ना बोलोगे आप ही बोल दोगे बारे कि ये फलाना का मुंडा है, इधर आपको ये चीज का, इधर दादा ये चीज का, इसलिए फलाने पिंड का, फलाना डिस्ट्रिक्ट का इधर मेरे मन में भी बोलने के लिए पहला था। सारे मीडिया में इतने आने का बहुत बहुत मैं धन्यवाद ही कहूँगा थोड़ा, तुम आए इतने। तो ये टीम के नाल मैं दूसरी फिल्म कर रहा है, जिमें साढ़े
जिमी शर्मा ने दसिया जो सा हीरो है जानवी है ये बड़ी प्यारी जी टीम है। कहावत है कि फिल्म इंडस्ट्री के बीच चाहे यश चोपड़ा तो ले लो चाहे और जिन्हें भी आए टीम हिट हुई पर्सनल इंडिविजुअल कोई बंदा हिट नहीं होया चाहे जिड़ा वड़ा मर्जी स्टार होवे जिड़ा मर्जी होवे टीम हुई क्योंकि टीम की जड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूजे को इशारे वाले समझ आता है कि भी मेरा डायरेक्टर क्योंकि डायरेक्टर असी अपनी फिल्म इंडस्ट्री के कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं कि भी ये मेन बंदा है। हुण ये बंदा ये जो छोटा जिहा सी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने ज़्यादा ही तारीफ करती है मलकीत राणी जी ने कि बहुत अरसा हो गया ये कोई शक नहीं है। अगले साल मेरे इस इंडस्ट्री के कैमरा फेस किए हुए 50 साल पूरे हो जाने और तुम ये दसते हुए मैं दूसरी बात दस रही हूँ इस बार मैंने पी टी सी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता सी उत्थे भी मैं बोलिया सी कि जो मेरा फर्स्ट ऑडिशन होया सी 1972 के विच दिल्ली के विच ते ऑडिशन लैन वाले सी राजपूर साहब के गुरु श्री केदार शर्मा जी और इस हुण दुनिया के विच नहीं है तो अरसा ही हो गया लेकिन मैं ये दसते हुए माण महसूस हो रहा है कि फिल्म सी दो रिश्ते उदू शुरू हुई सी वो गल अलग हैगी कि वह कंप्लीट होकर रिलीज नहीं हो सकी क्योंकि उदो उस वक्त वो मेन हीरो खैर तो जिंदगी का बहुत लंबा उतार पड़ा देखे बाकी मैं हो चीज़ा ना दसते हो क्योंकि मलकीत राणी जी ने पूरा जिन्ना खाका सारा बयान कर दिता मैं तुम्हें सिर्फ अपनी थोड़ा जहा थोड़े जो सफर बारे तुम दसागा कि बहुत है मैं तुम ये कहोगे मेरे तो सीनियर सिर्फ मैं कहूँगा ज्यादा नहीं कोई होर भी छुपया हुआ होगा तो पता नहीं विजय टंडन जी इज माय सीनियर मोस्ट दो साल सीनियर ने मित्र तो मेरे पहले बॉम्बे के मित्र वो ही मैं 20 साल मैं बॉम्बे लेके आया बड़े बड़े सीरियल किए नियर अबाउट 219 के करीब मैं प्रोजेक्ट कर चुका जो मैक्सीम सीरियल ने महाभारत तो लेकर टीपू सुल्तान कृष्णा कि ना लवा पंजाबी अणगिणत पंजाबी फिल्म 35 फिल्म मैं एज हीरो कीतियां उदो मैं क्लीन शेव सी 97 तो लैके मैं दाढ़ी रख ली सी उस तो बाद घटती रही थी बनती रही सी ते मैं होर खुशी होंगी तुम दसते हुए 97 च मेरी जो हीरो की लास्ट फिल्म सी दारा जी भी मेरे नाल सी ते वह फिल्म में नैशनल अवार्ड मिले सी मैं मां पंजाब सो मैं दसा तो एक ही दसा बहुत फिर बाकी का किसी का मन नहीं लगना क्योंकि मैं शुरू होना है तो बात निकलती है तो बहुत बहुत तलक जाती है इसलिए यही है कि असं इतने कट्ठे हुए हैं सिर्फ अपने फिल्म कमले को लैके कमले हुण तुसीं देख लो आपां देखे हुण कमले तुसीं मैं सारे एक्चुअली कमले हैं क्योंकि हर बंदा तुसीं भी है मैं भी है सारे एक बंदा यह कह दे भी मैनूं पैसे की जरूरत नहीं है हर बंदा आफ्टर मनी क्यों सानू जरूरत है साड़ी जिंदगी दी रोजमर्रा दी जिहड़ियां जिंदगी दी ख्वाहिशां जरूरतां ने पूरियां करन वास्ते तां चाहीदा है जिहड़े इहदे मगर पै जांदे ने उहनां नूं मैं कमले ही कहांगा क्यों क्यों जी सति श्री अकाल की हाल है बहुत अच्छा लग्या तुहानूं आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत भाई नहीं है क्योंकि मैं पुराने चौल मैं देखदा ना जदों मैनूं बड़ी खुशी हुंदी क्योंकि उहनां नूं कीड़ा नहीं लगदा ठीक है बहुत पुराने हैं थे मैं आँगे जो मैं बॉम्बे समाया से मैं क्लीन शेव से उदों तो जान गया मैं है जी सो अज आशीर्वाद लैन आए हैं तुम अपने जरिए अपने तरीके के नाल साडी फिल्म कमले को आशीर्वाद दियो कि साडी बाकी टीम भी हैगी है तो तरसीम पाल जी उन्होंने भी यही बोलना है तो सोनू जी है साढ़े नाल गिल साहब प्रोड्यूसर इन्हों भी आप मौका दईए नहीं तो ढंग खराब होना इन्होंने लड़ पड़ा साढ़े हाँ जी members of the media, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you. Since I am an outsider, I would prefer to speak in English. Just now it has been brought out that this is a big team. They are working over and over again together. And I am the one who has paradropped into this city and into this industry. It was a long journey from
being a naval officer, a helicopter pilot, holding gallantry awards. And today I am producing a film. The story, when it was related to me, I really liked it, because when you look around, you find that every month I am yet to come across a family which is not passing through this phase. They all are after money, property also which is illegally acquired. Legally acquired, no one is bothered. We are out to grab. And that is nothing but Kamala Pan. When the director saw, narrated the story to me, I took an instant writing, oh, this is happening all over the world, especially in Punjab. So I am very hopeful. And another thing I would like to point out, I said I am a helicopter pilot. So what we do is, the senior pilot always trains the junior one. And that is how the pilots are sort of trained to fly for the organization. Similarly, if we have only the young actors, artists doing a film, I don't think much will be achieved. I may be wrong, but this is what I feel. Unless the elder are present there, it will not come. The thing will not sort of get to your heart. So with this, I'm just saying that this is a new experience for me, totally an outsider. But after meeting all of them, I find that I have come to the right place. And especially in my sunset years, I think I would rather enjoy this company than sitting at home at this age. I wish all of you all the best. In the next few days, we will... You said that we are starting the film today. Let me tell you, we will be finishing this by the end of the month. So, over the next month, I would wish everyone the best of luck. Thank you.